हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है ओट्स इडली। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। हमने लिया है एक कटोरी ओट्स, साथ ही हमने आधा कटोरी सूजी ली है, एक कटोरी दही, एक गाजर जिसको हमने कद्दूकस किया है, नमक, कुकिंग ऑयल, खाने का सोडा जो हम एक पिंच यूज करेंगे, साथ ही हमने लिया है कुछ काजू, चना दाल, उड़द दाल, राई, कुछ करी लीव्स ली हैं, आधी छोटी चम्मच हल्दी ली है। सबसे पहले हम एक पैन में ओट्स को रोस्ट करेंगे। ओट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसका महीन पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल हमें पाउडर फॉर्म में लेना है। अब हम पैन को फिर से गर्म करने के लिए रखेंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें करी लीव्स डालेंगे, साथ ही हम इसमें राई के दाने, उड़द और चना दाल अच्छे से रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें कट करके ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गाजर, साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी से अच्छा सा कलर आता है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर करेंगे और अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। आधा कप सूजी हमने लिया है, हल्का सा रोस्ट करेंगे सूजी को भी। ब्राउन नहीं करना है, भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। साथ ही हम इसमें अब ऐड करेंगे जो हमने ओट्स का पाउडर बनाया था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। इसको हम एक बाउल में निकालेंगे और इसको पूरे तरह से पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। हमारा मिश्रण एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसमें एक पिंच सोडा डालेंगे, जो खाने वाला सोडा होता है, साथ ही नमक टेस्ट के हिसाब से, दही ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर एक घोल तैयार करेंगे। इडली का बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जिससे सूजी को जितना फूलना होगा वो फूल जाएगी। और अगर हमें और पानी ऐड करना है तो हम इसमें बनाने से पहले पानी और ऐड कर सकें, तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इडली कुकर में हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम एक ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल इस तरह से सब पर लगा लेंगे, इससे ऑयल भी बहुत कम यूज होता है, आपकी इडली बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनती है। जो हमने काजू लिए हैं उनको हम इस तरह से स्टैंड पर रख देंगे। बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको स्टैंड पे डालेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, हम अपने इडली इसमें रख देंगे और इसको ढक देंगे। 5 से 10 मिनट में हमारी इडली एकदम तैयार हो जाएंगी। इडली हमारी एकदम तैयार है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी ओट्स इडली एकदम तैयार है। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है, आप इसको ब्रेकफास्ट में अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ ले सकते हैं, ग्रीन चटनी, टमाटर की चटनी या फिर पीनट चटनी, जो भी आपको पसंद है। ये बहुत हेल्दी है तो आप इसको ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में ट्राई कीजिए, आपको ये पसंद आएगा। और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।